दिल्ली में जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का पूरा मामला था, उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है, ये बहुत भयानक है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर 4 गुना ज्यादा झूठी डिमांड केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने बताई। कोर्ट को झूठ बोला, जनता को झूठ बोला, टीवी में विज्ञापनों पे झूठ बोला, और उसके कारण 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोगों की मौतें हुई, और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। यह आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा? केजरीवाल की जगह इस वक्त जेल में है, अरेस्ट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, गिरफ्तार किया जाना चाहिए हत्या के मामले में, लापरवाही से हत्या के मामले में, झूठ बोलने के मामले में। अपनी कुर्सी पर बैठकर खुलेआम झूठ बेचना, जब दिल्ली में और देश में लोग मर रहे थे तब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झूठ बेच रहे थे, ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे, 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर मंगवा रहे थे, और 12 राज्यों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसा तमाशा खड़ा किया गया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है ये, सारी पोल, सारा झूठ, सारी लापरवाही बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है केजरीवाल की। मुझे लगता है कि लापरवाही, आपराधिक लापरवाही, हत्या, गैर जिम्मेदारी, इन मामलों पे केजरीवाल को अब कुर्सी छोड़नी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। विज्ञापन पूरे देश के अखबारों में फुल पेज छापे हुए, पूरे पूरे देश में चार चार पांच पांच अखबारों, आज एक एक अखबार में चार चार पांच पांच विज्ञापन है। इतना पैसा अगर वैक्सीन खरीदने पर लगा दिया होता तो पूरे देश के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध, बाहर से भी वैक्सीन उपलब्ध होने लगती। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को विज्ञापन की नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। और ऊपर से अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि विज्ञापन दीजिए, वैक्सीन तो दे नहीं रहे, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के बस विज्ञापन देते चले जाइए। परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रेस्पॉन्सिबल। और आज मैं गुहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है। और जिस रिपोर्ट को आज सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर सबमिट किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने वो हकीकत को बयां करता है। और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वह अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह छोटा विषय नहीं है। आज इसी मैदान में कहकर जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को। मीनवाइल, और उसके बावजूद भी आजादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा? और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी हमसे, आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी, नायक की छड़ी लगा दो नायक।